हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मोहम्मद वहाब मिर्जा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 को, जो कि 4 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था। ये हमारे पास है लॉ एडमिशन टेस्ट का ऑफिशियल पेपर। सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन है हमारे पास। चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज द मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, अवर प्रेजेंट स्टेट इज ट्रांजिटरी। तो यहाँ हमने ट्रांजिटरी का ऑपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्शन हमारे पास है क्लियर, बी हमारे पास कंफर्टेबल, सी हमारे पास परमानेंट और डी हमारे पास है स्पेशियल। इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास सी, परमानेंट। ट्रांजिटरी आरजी को कहते हैं और परमानेंट मुस्तकिल। सेकंड हमारे पास द रूलर ऑफ दिस कंट्री इज नॉन फॉर बीइंग एज अ माइजर। ऑप्शन हमारे पास क्लेवर, बी हमारे पास क्रूएल, सी हमारे पास है जेनरस और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं वाइज। माइजर हम जालिम को कहते हैं जबकि जेनरस सी ऑप्शन इज राइट। सी थर्ड एमसीक्यू हमारे पास, आई एम सरप्राइज टू सी माई फ्रेंड बिहेवियर इन अ नेस्टी मैनर। नेस्टी यानी अकवर्ड सा बिहेवियर होगा। ऑप्शन हमारे पास नॉर्मल, सेकेंड हमारे पास है प्लेजेंट, सी हमारे पास है सिली और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेन। तो नास्टी का जो ऑपोजिट होगा वो हमारे पास होगा प्लेजेंट। डी ऑप्शन इज राइट। फोर्थ हमारे पास, वी आर नॉट अलो टू प्रोलॉन्ग अवर वेकेशन। प्रोलॉन्ग मतलब लंबा करना। ऑप्शन हमारे पास चेंज, बी हमारे पास एन, सी हमारे पास है प्लेन और लास्ट हमारे पास आ जाता है रिड्यूस। तो प्रोलॉन्ग का ऑपोजिट जो होगा वो हमारे पास होगा बी, एंड खत्म कर देना। नेक्स्ट हमारे पास, चूज द लेटर वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज द मोस्ट नियरली सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में यहाँ हमने सिनोनिम बताना है जो वर्ड्स कैपिटल में दिया होगा। फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द टीनएजर टू रिजिस्ट पीयर प्रेशर। सो यहाँ हमने पीर का जो होता है ना सिनोनिम बताना है। ऑप्शन हमारे पास है कंसिस्टेंट, सी ऑप्शन, बी है हमारे पास फेलो, सी हमारे पास हैवी और डी हमारे पास है पेरेंट। तो पीर का जो सिनोनिम होगा वो हमारे पास होगा फेलो। बी ऑप्शन इज राइट। सिक्स एमसीक्यू हमारे पास, इफ यू गो टू अ पार्टी ट्राई टू मिंजल्स विद अदर। तो यहाँ हमने मिंजल्स का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन हमारे पास है डांस, एट, लिसन, टॉक। तो मिंजल का जो सिनोनिम होगा वो हमारे पास होगा टॉक। डेल्टा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारे पास, द नर्स स्पोक कंफर्टेबल टू द चाइल्ड। ऑप्शन हमारे पास एंग्री, बी हमारे पास है डिफिकल्ट, सी हमारे पास है फेलो और डेल्टा हमारे पास है काइंड। तो कंफर्टिंग का जो होता है सिनोनिम होगा वो हमारे पास होगा काइंड। डेल्टा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारे पास, दिस इज अवर कैंडिड इन ओपिनियन एज अ कस्टमर। तो ऑप्शन हमारे पास बैड, डी हमारे पास है ऑनेस्ट, सी हमारे पास है स्ट्रांग और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं यूजफुल। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास ऑनेस्ट। दिस इज अवर कैंडिड का जो सिनोनिम होगा वो हमारे पास होगा ऑनेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर बिलो। नाइन्थ एमसीक्यू हमारे पास, इफ माई कार डैश आई विल ड्राइव यू टू स्टेशन। ऑप्शन हमारे पास हैज स्टार्टेड, बी हमारे पास स्टार्ट, सी हमारे पास है स्टार्टेड और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टार्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास स्टार्टेड। इफ माई कार स्टार्टेड आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन। टेन हमारे पास, यू आर टू यंग डैश दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास टू अंडरस्टैंड, सेकंड हमारे पास है अंडरस्टैंड, सी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं अंडरस्टूड। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास अंडरस्टैंड बी। यू आर टू यंग अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट वर यू डूइंग बिफोर यू डैश हियर। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गेम, डी हमारे पास है कम, सी हमारे पास आ जाते हैं हैव कम और डेल्टा हमारे पास है वर कमिंग। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है अल्फा कैम। नेक्स्ट हमारे पास, द बॉय स्टार्टेड स्कूल डैश मंडे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एट, बी हमारे पास है बाय, सी हमारे पास है फ्रॉम और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑन। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास डेल्टा, द बॉय स्टार्ट स्कूल ऑन मंडे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इट वॉज टू डार्क टू गो ऑन डैश वी स्टॉप्ड हियर। ऑप्शन हमारे पास है एज, बी हमारे पास है बिकॉज, सी हमारे पास है सिंस और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं सो।
तो इसका सही ऑप्शन होगा डेल्टा. सो इट वाज, सो इट वाज टू डार्क टू गो ऑन, सो वी स्टॉप्ड हियर. नेक्स्ट है हमारे पास द रिवर वुड नॉट हैव फ्लडेड डैश रेन सो हैवीली. ऑप्शन हमारे पास है डिडंट, बी हमारे पास है हैड इट नॉट, सी हमारे पास है नॉट हैड, डेल्टा हमारे पास वाज इट नॉट. तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है बी हैड इट नॉट. The river would not have flooded had it not rained so heavily. 15 हमारे पास MCQs है. Do not blame me dash this mistake. Option हमारे पास है about, second हमारे पास है by, C हमारे पास आ जाते हैं for और last हमारे पास आ जाते हैं to. तो यहाँ हमने preposition use करने रहते हैं. Do not blame me for this mistake. Next हमारे पास 16. The room hasn't been cleaned dash month. First option वापस है for, second वापस है from, C वापस आ जाता है in और last वापस आ जाता है since. तो इसकी सही option preposition जो होगी वो वापस होगी for. The room hasn't been cleaned for month. 17 वापस आ जाता है if I fall asleep please dash me up. Option वापस है wake, second वापस है begged, सी हमारे पास वेक्स और लास्ट हमारे पास आ जाता है विल वेक. तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास अल्फा वेक. इफ आई फॉल स्लीप प्लीज वेक मी अप. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 18. वेयर डज प्रवेश डैश क्वेश्चन मार्क इज लीविंग. सेकंड हमारे पास है लीव, सी हमारे पास आ जाता है लीव्ड और लास्ट हमारे पास आ जाता है लीव्स. तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास डेल्टा. Where does Pervez live? Next, हमारे पास आ जाते हैं. When Jamila has finished her speech, she dashed on. Option वापस has said. Second वापस आ जाते हैं sat. C वापस है sit. और last वापस आ जाते हैं was sitting. तो इसका सही ऑप्शन वापस है B sat. Next MCQ से हमारे पास 20. I remember my father dash me that news. First option हमारे पास है tell, second हमारे पास है telling, C हमारे पास है to tell और last हमारे पास आ जाते हैं was told. तो इसका सही ऑप्शन होगा B. I remember my father telling me that news. तो next हमारे पास आ जाते हैं general knowledge के 21 हमारे पास है. In the wild, primary diet of the pandas is. फर्स्ट ऑप्शन वापस है बम्बूज, सेकंड वापस है फ्रूट, सी ए वापस है इंसेक्ट और लास्ट वापस आ जाते हैं स्मॉल बर्ड. तो इसका सही ऑप्शन होगा अल्फा. इन द प्राइमरी वाइल्ड डाइट ऑफ द पांडास इज बम्बूज. नेक्स्ट है वापस है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान. ऑप्शन वापस है जैस्मीन, सेकंड वापस है वाटर लिली, सी ए वापस है सन फ्लावर और लास्ट में वापस आ जाते हैं ट्यूलिप. तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है अल्फा. नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज नो स्केलेटन एट ऑल. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जेली फिश, सेकंड हमारे पास आ जाते हैं सैल्मन, सी हमारे पास है सिल्वर फिश और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टार फिश. तो इसका सही ऑप्शन होगा अल्फा. जेली फिश में होता है ये, स्केलेटन नहीं होता. नेक्स्ट हमारे पास है 24. हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान पीपल पार्टी. तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो फाउंडर था वो हमारे पास था जुल्फकार अली भुट्टो. डेल्टा ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज हमास. ऑप्शन हमारे पास है अ टाउन ऑफ जॉर्डन, सेकंड हमारे पास आ जाते हैं इजराइल मिलिटेंट ग्रुप और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टेट ऑफ लिबनान. तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है सी पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप. नेक्स्ट हमारे पास 26. Air blue is the airline of. Option हमारे पास है British, second हमारे पास है Canada, third हमारे पास है Japan और last हमारे पास आ जाते हैं पाकिस्तान. So air blue जो होते हैं ये airline है पाकिस्तान की. Delta option is right. Next हमारे पास आ जाते हैं which one of the following is known as the red planet due to reddish appearance. ऑप्शन वापस है जुपिटर, सेकंड वापस आ जाते हैं मार्स, सी वापस आ जाते हैं
मर्करी और लास्ट वहाँ पास आता है वीनस। सो इसका सही ऑप्शन वहाँ पास है बी। नेक्स्ट है वहाँ पास व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू कलर्स। ऑप्शन वहाँ पास है फोर, बी वहाँ पास है फाइव, सी वहाँ पास है सिक्स और डेल्टा वहाँ पास है सेवन। सो व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू सेवन कलर। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट वहाँ पास विच ब्लड टाइप इज कंसिडर एज अ यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन वहाँ पास है ए पॉजिटिव, ए बी, बी और लास्ट वहाँ पास आ जाता है ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव इज कंसिडर एज अ यूनिवर्सल डोनर। 30 एमसीक्यूज हमारे पास। मारिया तौरपाकी वजीर इज द फर्स्ट ट्राइबल पाकिस्तानी इंटरनेशनल डैश प्लेयर। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फुटबॉल, हॉकी, स्क्वैश और डेल्टा हमारे पास है टेनिस। तो इसका सही ऑप्शन वापस है सी, स्क्वैश। नेक्स्ट 31 हमारे पास आ जाते हैं। विच वाज द फर्स्ट सिटी डिस्ट्रॉयड बाय द एटॉमिक बॉम्ब इन द वर्ल्ड वॉर टू। ऑप्शन वापस है हिरोशिमा, बी वापस है लंदन, सी वापस आ जाता है नागासाकी और लास्ट वापस आ जाते हैं पेरिस। सो इसका सही ऑप्शन वापस है अल्फा, हिरोशिमा। What is the name of the historic forts located in the Peshawar, Pakistan? Option वापस आ जाते हैं बाला हिसार फोर्ट, सेकंड वापस आ जाते हैं बेल्टी फोर्ट, ये वापस आ जाते हैं डेरावर फोर्ट और लास्ट वापस आ जाते हैं रोहतास फोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन वापस है बेल्टी फोर्ट। 33 वापस आ जाते हैं द फेमस नॉवल प्राइड एंड द प्रीड्यूस वॉज रिटन बाय। और ऑप्शन वापस है चार्ल्स डिकेंस, डी वापस आ जाते हैं जेन ऑस्टिन, सी वापस आ जाते हैं पोलो टीलियो, सी डेल्टा वापस आ जाते हैं स्टीफन किंग। तो इसका सही ऑप्शन वापस आ जाते हैं जेन्स ऑस्टिन, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 34 वापस आ जाते हैं इन पाकिस्तान अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉन एज। तो अल्फा ऑप्शन वापस है मजलिस शोरा, बी वापस है नेशनल असेंबली, सी वापस है प्रोविंशियल असेंबली और लास्ट वहाँ पास आ जाते हैं सैनेट। अपर हाउस को हम सैनेट जबकि लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। डेल्टा ऑप्शन इज राइट। 35 हमारे पास है CIA इज द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। ऑप्शन वापस है अफगानिस्तान, अमेरिका, कनाडा और लास्ट वापस आ जाते हैं इंडिया। तो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारे पास अमेरिका की। 36 हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान। ऑप्शन हमारे पास है जापानीज डॉलर, बी हमारे पास है जापानीज लैरी, सी हमारे पास आ जाते हैं जापानीज रिंगिट और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं जापानीज योन। सो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल सिटी ऑफ द जर्मनी इज। ऑप्शन हमारे पास है बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, हमबर्ग और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं म्यूनिच। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट हमारे पास 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन हमारे पास है साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे होते हैं। 39 वहाँ पास है साउथ अफ्रीका इज ऑफन रेफर्ड एज। ऑप्शन वहाँ पास है सिटी ऑफ ड्रीम, सिटी ऑफ लव, रेनबो नेशन, सनशाइन स्टेट। तो साउथ अफ्रीका को हम रेनबो नेशन भी कहते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। लास्ट में 40 वापस आ जाते हैं द सहारा डिजर्ट इज लोकेटेड इन। ऑप्शन वापस है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसका सही ऑप्शन है वापस अल्फा, अफ्रीका। नेक्स्ट रिमेनिंग एमसीक्यूज पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे।